जो हमारे पास गाड़ी आई है ये है निसान नोट फर्स्ट जनरेशन, और इसमें निसान टेडा भी आती है, निसान विंग रोड भी आती है, इसमें सब में सेम सामान लगता है। तो इस गाड़ी का कंडेंसर ख़राब है। इसके कंडेंसर को इशू ये है कि ये गाड़ी खड़ी जब होती है तो कूलिंग नहीं करती, तो इसकी सारी जालियाँ जो है ना आगे से डैमेज हो चुकी हैं सर्विस स्टेशन के हाई प्रेशर पानी लगने की वजह से, इसलिए आज हम इस कंडेंसर को चेंज करेंगे। जैसा नज़र आ रहा होगा आपको जो डैमेज हाल है जालियों का, अभी जब ये कंडेंसर बाहर निकलता है आपको फिर हम दिखाते हैं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। चलिए जी, कंडेंसर बाहर आ चुका है और ये भी आपके सामने ही है, इसकी हालत कितनी ख़राब है। खड़ी गाड़ी पे कूलिंग इसलिए नहीं कर रही थी तो इसकी वो आगे से हवा क्रॉसिंग ही नहीं हो रही थी। ये देखें आप, इसकी सारी जालियाँ डैमेज है, पहले भी टांके लगे हुए हैं, सोल्डरिंग इसको हुई हुई है। और ये अभी हम जो काबली कंडेंसर मंगवाया है ये हम ब्रांडेड कंडेंसर, अब हम इसमें ये लगाएंगे। चाइना का इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो चाइना का अच्छी कूलिंग नहीं करता, इसलिए हम चाइना का कंडेंसर इसमें नहीं फिट कर रहे। और इसको वॉश करेंगे रेडिएटर को अच्छे तरीके से हम। आपके पास चाहे कोई सी भी गाड़ी है उसके कंडेंसर एंड रेडिएटर को आप घर के पानी से साफ़ किया करें, ताकि जो मिट्टी जम जाती है इसमें, जो हम अभी हम हाई प्रेशर वाटर से निकाल रहे हैं, उसकी जमने की नौबत ही ना आए। जब आप उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कंडेंसर को पानी मारा करेंगे तो आपकी गाड़ी की कूलिंग भी अच्छी रहती है। हम जी नया कंडेंसर जो है उसमें फिट करने लगे हैं गाड़ी में। लीकेज हमने इसकी बाहर ही चेक कर ली थी। जी कंडेंसर फिट हो चुका है, इसके अभी हम जॉइंट
रिटाइट करके इसको एयर प्रेशर दे के इसकी लीक चेक करेंगे, क्योंकि जो जॉइंट लगाए हैं उनकी लीक भी चेक करना ज़रूरी होती है। सूच चेक करो, सूच इसका वॉल लीक है, वॉल चेंज कर रहे हैं जहाँ से गैस चार्ज करते हैं उस वॉल को, तो आप पिन वॉल कह सकते हैं, चार्जिंग वॉल कह सकते हैं। अब बारी आ गई है जी लास्ट स्टेप की, जो कि है जी गैस फिलिंग। गैस फिलिंग जो है वो एहतियात से ही हमें करनी पड़ती है इन गाड़ियों की, और एक्सपर्ट बंदे के बिना गैस फिल नहीं करनी चाहिए। ले जी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।